करते हैं। देखिए अब तरंग दर बढ़ाना है आपको, तो बढ़ाने के लिए दूरी भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो जब कोई प्रेक्षक, यानी आप समझते रहेंगे सब, कि जब कोई प्रेक्षक प्रकाश स्रोत से दूर जाएगा, अब तो नज़दीक जा रहा था तो तरंग दर घटा हुआ प्रतीत हो रहा था, तो जब लाल की बात होगी तो तरंग दर तो सबसे अधिक होता है ना, अथर्ता तरंग स्थान होता है, तो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई प्रेक्षक प्रकाश स्रोत से दूर जाता है तो उसकी तरंग दर बढ़ जाती है, और जब वो प्रेक्षक प्रकाश की तरफ, प्रकाश स्रोत की तरफ देखता है तो उसे लाल रंग का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे हम लोग लाल विस्थापन कहते हैं। किस रंग का? लाल रंग का, समझे? और भाई जब दूरी बढ़ेगा तो तरंग दर बढ़ेगा, और जब वो देखता है विद्युत बल्ब को तो उसे लाल रंग का क्या प्राप्त होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त। तो लिखो कि जब प्रेक्षक प्रकाश स्रोत से बोलिए, हाँ, जब प्रेक्षक प्रकाश स्रोत से दूर जाता है तो उसका तरंग दर्द बढ़ जाता है, पढ़ रही होगी वो भी सुन करके, तथा जब वह प्रकाश स्रोत को देखता है, तो उसे लाल रंग का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो उसे लाल विस्थापन कहते हैं। ये कब प्राप्त होगा? जब यहाँ प्रकाश स्रोत होगा और यहाँ पर प्रेक्षक होगा, और प्रेक्षक दूर जाएगा इस तरीके से, तो आप कहेंगे कि जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं लाल रंग का स्पेक्ट्रम। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे इस टाइप के, तो आपको बताने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुरंत आप बताने का प्रयास करेंगे। आज एक सत्र पर कुछ न्यूमेरिकल आपको देते हैं, इस पर आप लगा के लेकर के आएंगे, सवाल भी देते हैं हम आपको।